गुड मॉर्निंग मॉडल स्टार्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? सारे बच्चे अपना ख्याल रख रहे हैं ना? वेरी गुड। क्लास थर्ड आप लोग को मैंने चैप्टर थर्ड तक पढ़ा दिया था, ठीक है। चैप्टर फोर भी मैंने पढ़ाया था लेकिन वो आधा पढ़ाया था ना। आज चैप्टर आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, ठीक। हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? हम लोग करेंगे यहाँ से, ओके। इसको पढ़िएगा सभी लोग, रीड करिए। मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आप लोगों को, अब यहाँ से आप लोग रीड करिए, ठीक। देखिए क्या लिखा है। गर्दभा चतुर्भी पादय चलती, नर द्वाभ्याम पादाभ्याम चलती, ठीक है। पादाभ्याम चलती, गर्दभ मतलब क्या होता है? गर्दभ है ना, गर्दभ मतलब क्या होता है? गधा है ना, गर्दभ। गधे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गर्दभ है ना, लिखा हुआ है ना। तो उसका अर्थ क्या हुआ? गधा चार पैरों से चलता है और आदमी दो पैरों से चलते हैं। ये आप लोग को चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये फोटो गधे की है और आदमी नर की है, मतलब आदमी की है, ये बच्चा है तो वो चल रहा है। तो उसे बता रहे हैं गर्दभा चतुर्भी पादय चलती, नरा द्वाभ्याम पादाभ्याम चलती। गधा चार पैर से चलता है और आदमी दो पैरों से चलता है ना, ये इसका अर्थ हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। फिर देखिए, एका वृक्षा लतया युक्ता अस्ति, एक पेड़ बेल से युक्त था, है ना। बेल मतलब लताएं होती है। देखिए दिख रहा है ना फोटो में, आप लोग को दिख रहा होगा ये सब क्या है? बेल हैं। तो इसका क्या अर्थ हो रहा है? एका वृक्षा लतया युक्त अस्ति, अस्ति मतलब है, एक पेड़ बेल से युक्त है। अनेका वृक्षा लता भी युक्त संति, अनेक पेड़ बेलों से युक्त हैं, है ना। लता पुष्प युक्त संति, बेले फूलों से युक्त हैं, बेले फूलों से युक्त हैं। तो बेलों को संस्कृत में क्या बोलते हैं हम लोग? लता, है ना। और फूल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पुष्प, है ना। तो बता रहे हैं बेले फूलों से युक्त हैं। फिर देखिए क्या लिखा है। बालिका नासिका पुष्पम जिघ्रती, है ना। क्या लिखा है? लड़की नाक से फूल सूंघती है। दिख रहा है ना पिक्चर में, लड़की क्या कर रही है? नाक से फूल सूंघ रही है, है ना। तो जिघ्रती मतलब क्या होता है? सूंघती है, है ना। नासिका मतलब नाक से, नासिका मतलब नाक से। बालिका का क्या अर्थ हुआ? लड़की, है ना। तो जब आप लोग इसको रीड करेंगे, है ना, अनुवाद दिया हुआ है आप लोग का, तो इसको आप लोग रीड करिएगा तभी आप लोग समझ में आएगा कि वृक्ष को हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, लता को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुष्प को हिंदी में क्या बोलते हैं, नासिका को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिग्रति को हिंदी में क्या अर्थ होता है ना। जब आप लोग पढ़ोगे तभी तो समझोगे, तभी बच्चे इसको रीड करिएगा। बहुत कम बच्चे हैं जो संस्कृत का होमवर्क करते हैं और दिखाते हैं। सभी बच्चों को होमवर्क करना है और दिखाना है कि मैम हमको ये होमवर्क लर्न हो कर लिया है, ठीक। फिर आगे आप लोग को कॉपी में आप लोग डालिएगा, कॉपी में डालिएगा, डेट डालिएगा 24/7/20, फिर चैप्टर डालिएगा 4, फिर चैप्टर का नेम डालिएगा करण कारकम, है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे शब्द अर्थ। क्या लिखेंगे? शब्द अर्थ लिखिएगा कॉपी में, ये सब शब्द अर्थ आप लोग कॉपी में लिखिएगा, ओके। और ये जो पार्ट है ये आप लोग बुक में ही करिएगा, ठीक। और ये पार्ट भी आप लोग कहाँ करेंगे? बुक में करेंगे, ठीक है, है ना। ये दिख रहा है ना, ये पार्ट आप लोग जो रिक्त स्थान भरना है बुक में करना है। लेकिन ये मैच द फॉलोइंग है, ये सुमेल जो करना है आप लोग को ये कॉपी में करेंगे, ठीक। और एकदम साफ साफ राइटिंग में सब लोग करिएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों ने संस्कृत में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक। इसको करिएगा सभी बच्चे कॉपी में। फिर उसके बाद आप लोग को ये जो पार्ट दिख रहा है, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, ये आप लोग बुक में करिएगा, ओके। फिर आप लोग निम्नलिखित शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए, ये आप लोग कॉपी में करेंगे। इतना पार्ट ये आपका होमवर्क है, ठीक।
और फिर उसके बाद ये पार्ट भी आप लोग को कॉपी में करना है। वृक्ष मतलब पेड़, लतिया मतलब बेल, गर्दन गधा और दाभ्या पाद वाला दो पैरों से। ठीक, इतना ही है ये होमवर्क, आप लोग उसको करिएगा कंप्लीट। मैंने बता दिया है कौन सा कॉपी में करना है, कौन सा बुक में करना है, ये जो शब्द अर्थ है सभी लोग को कॉपी में करना है। ओके, बाकी मैंने लिख दिया है जो बुक में करना है, ये भी बुक में करना है, ये बुक में करना है, इतना हिस्सा बुक में करना है। ठीक है, और ये मैच द फॉलोइंग कहाँ करना है, कॉपी में। ओके, और फिर ये जो है पार्ट अर्थ वाला, ये भी कॉपी में ही करना है, और ये पार्ट बुक में। ठीक, सबको समझ में आया ना, इतना होमवर्क आप लोग करिएगा। ओके, ये चैप्टर रीड करिएगा, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट मतलब पार्ट में लिखवाऊंगी, इतना आप लोग करिएगा कॉपी और बुक में। ओके क्लास, थैंक यू।